हेलो स्टूडेंट टू बॉटनी आफ्टर क्लास एम जीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले को जमा ना भूलें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए आप किसी भी जनक वंचित ना रहे तो एम जीपी यूनिवर्सिटी का बड़ा अपडेट ये है कि देखिए आपने जो एमी का फॉर्म भरा था ना एमए में एडमिशन लेने के लिए मतलब आपने बीएससी या बीए बीकॉम जो पास किए थे और अब उसको आप पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था जिसका एक सौ पचास रुपया शुल्क था एमजीपी जीपी रो यूनिवर्सिटी के ऑफिसल साइड पर जाकर तो उसमें क्या था जब आपका रिजल्ट नहीं आया था तो आपको उसके नंबर नहीं पता था कितना नंबर उसमें ऐड करना था तो वो उस समय अपेयरिंग में ही डल रहा था लेकिन अब क्या है एमजीपी जीपी रोड का रिजल्ट आ चुका है तो अब आपको अपने फॉर्म में संशोधन करना होगा क्योंकि संशोधन मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप संशोधन नहीं करेंगे तो फिर आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा है एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग नंबर लिखे होंगे और आपके रिजल्ट में कुछ अलग नंबर लिखे होंगे तो उसको कैसे संशोधन करेंगे एंड अपने जो न्यू फॉर्म बने हैं वो कैसे भरे जाने हैं और कब लास्ट डेट है एमजीपी यूनिवर्सिटी की पूरी अपडेट बताऊंगा बने रहिए मेरे साथ में देखिए एमजीपी यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया उसके अंदर आप देख लीजिए क्या क्या अपडेट दिए गए हैं तो देखिए ये एमजीपी यूनिवर्सिटी का आज का अपडेट है तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए अभी एक सौ पचास रुपए से ही एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और वो ठीक है तारीख मतलब कि परसों 9 ए, सितंबर तक नौ तीन यहां पर लिखा है नौ सन दो तक ये है उसके बाद में क्या है ये चौबीस तक आप संशोधन कर सकते हैं तो ये देखिए नीचे वाला जो चौथा चो, पॉइंट है ना यही आपके काम की चीज है कि अगर आपने एमजेपी जी का फॉर्म भरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है तो उसमें आपके रिजल्ट में जो नंबर आए हैं अब उसे आप अपडेट कर लीजिए और अपने कॉलेज में भी अपडेट करा लीजिए तो कॉलेज में वेरिफिकेशन एंड अपडेट अपडेट जो करना है आपको नंबर या फिर कुछ भी जो भी संशोधन करना है है फॉर्म में तो उसकी तारीख चौबीस नौ चौबीस सितंबर तक यह अपडेट होगा एंड तीन सितंबर तक ये, ये फॉर्म की डेट है जो कि एक से ही आप भर सकते हैं फॉर्म तो अगर आपको भरना है तो लेट फी नहीं जमा करना चाहते हैं तो आप भी भर दीजिए बाकी संशोधन के लिए चौबीस तारीख तक निश्चित है वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए